दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे ECS बुल्गारिया T10 का मैच नंबर सेकंड, ठीक है। आज का दिन का सेकंड मैच और ये टूर्नामेंट का भी सेकंड मैच होगा जहां पे एक न्यू टीम खेलेगा और एक रिपीट मैच खेलेगा जिसका 11 बजे मैच होगा। बट डेफिनेटली मैं 11 बजे वाला मैच का स्टैट्स आपको जो स्कोर कार्ड है वो अपडेट यहाँ पे मैं नहीं दे पाऊंगा, बट वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। डिटेल्स पे एनालिसिस करते हैं, दोनों टीम के बारे में समझते हैं और उसके साथ कुछ भी अपडेट आएगा ना इस मैच का, अगले मैचेस का, जैसे कि इस लीग में कुल मिला के 8 टीम खेलेगा, ये तीसरा मैच, दूसरा मैच में तीसरा टीम है जो न्यू फर्स्ट टाइम खेलेंगे, तो इसके बाद और भी 5 है उनके कवरेज अपडेट्स और द 100 ओमेंस का वीडियो ऑलरेडी लाइव है, चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ एसोसिएट्स और इंटरनेशनल ओमेंस, जैसे कि हम लोग ओमेंस एशिया कप कवर किया, ऐसे मैचेस के कवरेज के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, लॉन्ग टर्म के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, जिसका लिंक कैसे जुड़ोगे, टेलीग्राम से, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चलो एनालिसिस करते हैं। ये जो वेन्यू होगा ना, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी सोफिया, यहाँ पे रन ना बहुत ज़्यादा बनते नहीं है, 100 मान के चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्रिकेट नहीं दिखेगा। ये एक बहुत बड़ा मैसिव रीज़न है कि यहाँ पे रन ज़्यादा नहीं बनेंगे, यहाँ पे ना विकेट ज़्यादा गिर सकता है और कुछ प्लेयर्स है इंटरनेशनल आगे टूर्नामेंट में आपको दिखेगा, वो अगर परफॉर्मेंस किया तो सही है, अदरवाइज वही 100 के आसपास रन बनना चाहिए मैक्सिमम। नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी सोफिया लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बुल्गारिया T10 ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर्स ही रन बनाते हैं, जो है नहीं दोनों के पास अगर देखोगे, स्पेशली PFC भी जो अपना रिपीट मैच खेलेंगे, रॉबिन अहमद अलोंग विद सादिक अफगान ओपन करेगा, अगागुल अहमदेल ओपन इनके साथ वन डाउन खेलेंगे, उमर फारूक, उस्मानुल हक, सफीर अहमद, फारूक हमाद होगा बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। अब थोड़े थोड़े एनालिसिस करते हैं, एक मैच खेल के आ रहा है टीम तो आपको अंदाजा होगा बैटिंग ऑर्डर का, बट स्टैट के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद न्यू वाला टीम डिस्कस करेंगे। रॉबिन अहमद 2 मैच 127 रन बनाया डोमेस्टिक में, सदीक अफगान ये बॉलिंग डाल सकता है, आप शौक मत रहना, ग्रैंड लीग में यूज़ करना, और बेसिकली ये दो बंदे डोमेस्टिक में एक मैच खेला मैंने जहाँ पे देखा एज ओपनर प्ले किया, तो ये ओपन भी कर सकते हैं, पहला मैच में अगर ओपन नहीं किया बाद में भी जाके टूर्नामेंट में ओपन कर सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में यूज़ करना। ये अहमद इल इस टीम से सबसे एक्सपीरियंस, 35 T10 मैच में 387 रन, 42 ओवर 16 विकेट, ऐसा नहीं महानतम रिकॉर्ड है बट यस सबसे एक्सपीरियंस है, तो रखना पड़ेगा कि आप इसे बना सकते हो। उमर फारूक 7 मैच में 77 रन T10 में, 15 का एवरेज है, अच्छा चॉइस है, अगर टॉप में खेलता तो, अगर ये 2 डाउन 3 डाउन खेलता है, उमर फारूक और उस्मान उलग दोनों ने एज अ बैटर रन बनाया 8 मैच 10 का एवरेज 161 रन, तो दोस्तों दोनों अगर मिडल ओवर में खेलता है मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर टॉप में खेलता है तो प्रेफर करूँगा। सफीर अहमद अगर देखते हो एक मैच एक ओवर विकेट लेस है डोमेस्टिक में, 32 मैच 233 रन, 68 ओवर में 20 विकेट, ये बंदा मुझे बहुत तगड़ा रिकॉर्ड लगा, 32 मैच में 68 ओवर वेरी डिसेंट और 20 विकेट। फारूक अहमद T10 मैच में 206 मैच में 4 रन डोमेस्टिक ओवरऑल, 14 मैच 80 रन 3 ओवर 1 विकेट। नुमान समेल ये अच्छे रिकॉर्ड डोमेस्टिक में है, 2 मैच में 5 ओवर में 3 विकेट यूज़ करेंगे एज बॉलर। शब्बीर इस्माइल लेफ्ट आर्म स्पिन डोमेस्टिक में 25 मैच 15 ओवर 3 विकेट, खास लगा नहीं। ई रिचर्ड ने बॉल डाला 2 मैच में 5 ओवर, देखो यार किसी प्लेयर को लेने से ना, देखो परफॉर्मेंस अगर उनको विकेट नहीं भी मिलता है तो भी सही है, बट उनको बॉल तो डालना पड़ेगा ना, तो अब जब भी प्लेयर्स लोगे तो थोड़ा सा नोटिस करना कि कितना बॉल डाल रहा है, बॉल अगर नहीं डाल रहा है कोई बंदा तो दोस्तों मतलब हो सकता है कि वो बॉलिंग ही नहीं डाले आप लोगे तो वो विकेट लेगा कैसे, तो बॉल डालना बहुत ज़रूरी है। ओवर 2 मैच 5 ओवर 1 विकेट, चलो बॉल डाला। जैदुल ने जैसे कि 10 मैच में सिर्फ 17 ओवर डाला, विकेट 1 विकेट से ज़्यादा 3 विकेट होता है, बट 10 मैच में सिर्फ 17 ओवर मतलब ये ज़्यादातर मैच में बॉल ही नहीं डालते। यहाँ पे कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए हैं जिनके स्टैट्स अवेलेबल नहीं है। आते हैं इनके ओपोनेंट की तरफ, मैं ना स्ट्रिक्ट सजेशन दूंगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ना बहुत केयरफुली करना, बहुत केयरफुली, और इन्वेस्टमेंट कम रखना इफ़ पॉसिबल। कुबेरा के डो मोड में खेल सकते हो, मैं वहीं पे खेलता हूँ ECS और डोमेस्टिक T20 वगैरह आसाम T20 जैसे मैचेस, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो, बेस्ट ऐप है, वहीं से खेलना चाहिए इंडिया में अगर डोमेस्टिक हो रहा है या फिर ECS हो रहा है। आउट ऑफ 5 प्लेयर जस्ट 1 प्लेयर से आप विन होगा, सिंपल है, सॉर्टेड, और फेयर प्ले भी मिलेगा। जसीम रहीम ओपन करेंगे, तरुण यादव, जैन मुस्तफ़ा, अलेन जोस, एमएल थॉमस, अनंदू और थास रिजिन प्रदीप, कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ना मुझे स्टैट्स नहीं मिला, ऑफिशियल प्लेइंग 11 आने के बाद कंफर्म होगा उनका बैटिंग पोजीशन, तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। जसीम रहीम अगर देखते हो 9 T10 मैच में 23 रन 5 ओवर 1 विकेट, डोमेस्टिक में टॉप ऑर्डर में खेल रहे थे, ले लेंगे इनको अपनी टीम में। तरुण यादव मस्ट पिक प्लेयर है, 14 T10 मैच 16 ओवर 5 विकेट 129, इनको तो मैं KFBC भी प्रीफर कर रहा हूँ इस मैच में,
बहुत तगड़े ऑप्शन है, इंटरनेशनल भी खेलते हैं। 3 मैच 14 रन 4 ओवर 2 विकेट। जैन मुस्तफा 14 मैच 14 ओवर 5 विकेट ले लेंगे T10 में। तीसरा मस्ट बी प्लेयर इस टीम से एलन जोस, एक्सपीरियंस है, 7 मैच में 8 का एवरेज 39। बहुत ज़्यादा रन नहीं है तो मस्ट पिक नहीं है, बट ये टॉप 3 जरूरी है, जसीम तरुण और जैन मुस्तफा। यहाँ से अमाल थॉमस मस्ट पिक प्लेयर है, 26 मैच 34 ओवर में 10 विकेट, चलो सही है। चौथा मस्ट पिक प्लेयर अनंदु कृष्णा यूज़ कर सकते हो, डोमेस्टिक में 3 मैच में सिर्फ 2 ही ओवर डाला, ज़्यादा नहीं डाला। तेहास ने 1 मैच खेला, कुछ नहीं किया, रिजिन ने भी कुछ नहीं किया, और बाकी प्लेयर्स के स्टैट्स ना अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे जितने भी स्टैट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया ना, सब ऑफिशियल प्लेइंग 11 ऑफिशियली डोमेस्टिक में जो स्टैट्स है उसके ऊपर बेस करके मैंने यहाँ पे स्टैट्स आपको प्रोवाइड किया, कोई मनगढ़ंत वाला स्टैट नहीं है। तो इस रीज़न से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब कि आप डोमेस्टिक के मैचेस खेलोगे ट्राई करो दोस्तों, अगर ऑफिशियल स्टैट्स मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट करो, अगर नहीं मिल रहा है बहुत सारे जैसे कि प्लेयर्स के स्टैट नहीं मिल रहे तो बड़े ऐप्स से दूर रहो और कुबेरा जैसे ऐप्स में ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग ड्रीम 11 टीम में। फिलहाल दोस्तों ये रहेगा मेरा टीम, जहाँ पे मैंने जे रहीम ट्राई किया, वाइस कैप्टन अहमदिल, हमारे पास कैप्टन टी यादव, जैन मुस्तफ़ा, एस आमिर, आनंदो कृष्णा, ई डी चट। हमने दोस्तों एस अफगान को ट्राई किया, अमल थॉमस, एस स्माइल, ए जोस। फिलहाल ये रहेगा मेरा टीम, कुछ भी अपडेट आता है ना इस मैच का, अगले मैचेस के अपडेट्स या फिर वह डेमो टीम आपके साथ मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों आपको जुड़ना है टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेंगे। चलो मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम चैनल पे, एंड इन्वेस्टमेंट बहुत संभाल के करो दोस्तों। पहला मैच रिपीट टीम आ रहा है, उनके सेफ प्लेयर को रख सकते हो। इधर से दोस्तों थोड़े से रिस्की बट जो जेन्युइन ऑप्शन है, ये वाला जो बंदा है ना, ये जोस, ये उतने जेन्युइन ऑप्शन नहीं है तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, बट जेन्युइन जो ऑप्शन है उनको टीम में ट्राई करना। एंड डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुबेरा का लिंक मिलेगा, कुबेरा डाउनलोड करके आप एक बार जरूर ट्राई करो दोस्तों, डो मोड एंड क्विंटो मोड, जहाँ पे आउट ऑफ 5 प्लेयर जस्ट 1 प्लेयर से विन कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं मैच टाइम पे, थैंक यू।